एलएसी पर जारी तनाव के बीच आज भारतीय सेना के जवान और अधिकारी गलवान और गोगरा जाएंगे। यहां ये उन जगहों का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे जहां चीनी सैनिक मौजूद हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान भारतीय अधिकारी ये देखेंगे कि गलवान और गोगरा के इलाके से चीनी सैनिक पीछे हटे हैं या नहीं। ये देखा जाएगा कि इन इलाकों से चीन ने स्ट्रक्चर और गाड़ियां हटाई हैं या नहीं। कमांडर लेवल की बातचीत के बाद ये पहला मौका होगा जब सेना फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। हालांकि चालबाज चीन की मंशा हमेशा से ही संदेह के घेरे में रही है, लिहाजा एलएसी पर भारत ने अपनी पोजीशन को और मजबूत किया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर आज फिर हलचल होगी। चीनी कैंप में आज फिर से खलबली मचनी तय है। आज ये पता चल जाएगा कि चीन की कथनी और करनी में कितना फर्क है। आज या तो चालबाज चीन पूरी तरह से बेनकाब होगा या फिर बैकफुट पर होगा। जून के महीने में भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनातनी बनी हुई थी। लद्दाख रीजन के एलएसी पर कई ऐसे पॉइंट हैं जहां भारत और चीन आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच इसी तनातनी को कम करने के लिए कई दौर की बातचीत हुई। हालांकि 30 जून को कोर कमांडर लेवल की जो मैराथन बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि इस तनातनी को कम करने के लिए चीनी सैनिक पीछे हटेंगे। इसी बातचीत का नतीजा देखने के लिए भारतीय सेना के जवान और ऑफिसर्स आज गलवान और गोगरा जाएंगे। गलवान और गोगरा में भारतीय सेना फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। ये देखा जाएगा कि इन इलाकों से चीन ने स्ट्रक्चर और गाड़ियां हटाई या नहीं। ये पहला मौका होगा जब भारतीय सेना इस बारे में फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। दरअसल कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में यह तय हुआ कि आपसी सहमति वाले इलाके में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। आज इसी का जायजा लेने के लिए भारतीय अफसर गलवान और गोगरा में होंगे। इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों सेनाएं अप्रैल महीने की पोजीशन पर जाएंगी। एलएसी पर भारत की तैयारियों को देखते हुए चीन हैरान है। उसे पता है कि हिंदुस्तान को छेड़ने की कोशिश की तो उसे और भी ज्यादा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के सुर बंधे हुए हैं। 3 दिन पहले ही इस अखबार ने लिखा था कि भारत और चीन में एलएसी को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया था कि चीन के सैनिक पीछे हटने को तैयार हैं। बॉर्डर पर तनाव कम करने के लिए टुकड़ियों में सैनिकों को कम किया जाएगा। दरअसल ग्लोबल टाइम्स वही छापता है जो चीन की सरकार कहती है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि चीन कितने दबाव में है। हालांकि चालबाज चीन पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि भारत ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। एलएसी पर भारत ने अपनी पोजीशन को और मजबूत कर लिया है। एलएसी पर मुस्तैदी के साथ फायर एंड फ्यूरी कोर तैनात है। फायर एंड फ्यूरी कोर दुर्गम पहाड़ी इलाकों पर ड्यूटी के लिए खास तौर पर ट्रेंड होती है। इसके साथ ही सुदर्शन चक्र यानी भारतीय सेना की एक और स्ट्राइक कोर के टैंक्स और तोपों को एलएसी पर तैनात कर दिया गया है। इस कोर की ताकत को देखते हुए ही पीएम मोदी ने अपने भाषण में सुदर्शन चक्र का जिक्र किया था। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। भारत और चीन के बीच जून महीने में अब तक 3 दौर की बैठक हो चुकी है। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का राउंड 1 6 जून को मोल्डो में हुआ, फिर कोर कमांडर लेवल की बातचीत का राउंड 2 22 जून को हुआ। ये मीटिंग भी चीन के मोल्डो में ही हुई। हालांकि 30 जून को कमांडर कॉन्फ्रेंस का राउंड 3 हुआ जिसकी बैठक चुशूल में हुई। एलएसी पर भारत का दमखम और कमांडर लेवल की बातचीत का नतीजा ही है कि चीन अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर नजर आ रहा है। भारत डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों स्तर से चीन पर दबाव बनाए हुए है। भारत की शर्तों को मानने के अलावा चीन के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको बता दें कि लद्दाख में 832 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 7 जगह ऐसी हैं जहां पर इस वक्त इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ बना हुआ है। ये जगह हैं डेपसांग, दौलत बेगोल्डी, गलवान, पेंगोंग झील, गोगरा, ट्रिग हाइट और चुमार। साफ है कि चीन जब तक इन इलाकों से पीछे नहीं हटेगा तब तक हालात सामान्य होना नामुमकिन है।
मुश्किल हालात को देखते हुए ही 14वीं कोर इस वक्त लद्दाख में तैनात है। 14वीं कोर देश की सबसे बड़ी टफ फॉर्मेशन मानी जाती है, क्योंकि जिन भौगोलिक हालात में काम करती है वहां लड़ना आसान नहीं है। फोर्टीन कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही। 30 जून को हुई आखिरी बातचीत में भारत ने साफ साफ कह दिया कि चीन अप्रैल 2020 के स्टेटस को माने। चीनी सेना गलवान से लेकर पेंगोंग झील के इलाके में हर पॉइंट पर अपनी पुरानी पोजीशन पर जाए। चीन सोमार से लेकर डीबीओ तक 832 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी सेना की तादाद को कम करते हुए पीछे हटे। गलवान को लेकर भारत ने कहा कि वो किसी भी सूरत में चीन को नाले के पार नहीं आने देगा। इसके जवाब में चाइनीज जनरल ने कहा कि वो LOC से इस वक्त 800 मीटर पीछे है और अपनी पुरानी पोजीशन से सिर्फ 150 मीटर आगे है। पेंगोंग झील को लेकर चीन ने कहा कि भारत फिंगर 4 से फिंगर 2 पर जाए तो वो फिंगर 6 तक लौट जाएगा। हालांकि चीन की पोजीशन फिंगर 8 पर खत्म हो जाती है। मीटिंग में भारत ने कहा कि डेप्सांग के इलाके में चीन को अपनी सेना कम करनी होगी। दरअसल चीन की सेना की मौजूदगी यहां दौलत बेग ओल्डी के लिए बड़ा खतरा है। 2013 में डेप्सांग का फेस ऑफ, उसके बाद डोकलाम में 73 दिन तक दोनों सेनाएं आमने सामने रही। इस बार भी हालात वैसे ही बन रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने बिल्कुल साफ कर दिया है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि ये भारत पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चीन को पार नहीं करने देगा। यही वजह है कि अग्रेसिव तरीके से इस समय तीनों सेनाएं चाइनीज PLA के आमने सामने खड़ी है। भारत के कड़े रुख के बाद ही चीन के तेवर ढीले पड़े हैं। आज भारतीय सेना गलवान और गोगरा जाकर देखेगी कि चीन ने इन शर्तों को कहां तक माना है। इंडिया TV के लिए मनीष प्रसाद की रिपोर्ट।